सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मुझी शैतान को मार भगाता जा। सिपाही यीशु के, सिपाही यीशु के, खून और गोश्त की ये जंग नहीं है, ढाल और तेग की ये जंग नहीं है, साथ मसीह के कदम बढ़ाता जा। सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मुझी शैतान को मार भगाता जा। हालेलुया, जय मसीह की। दविंदर कुलर जी, जय मसीह की। सुनीता जी, जय मसीह की। अमरजीत कौर जी, जय यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए कुछ समय प्रभु की आराधना करें। शोले है ना सरी के, हवाएं बुझाए क्यों, खादिम है हम खुदा के, बलाएं सताए क्यों क्यों क्यों। शोले हैं ना सदी के। हालेलुया। खुदावन जी, हम आपसे विनती करते हैं, आप हमारी जिंदगी शोलों में बदलें, रूह की लपटों में बदलें। खुदावन, गुनगुना जीवन नहीं, ठंडा जीवन नहीं, अग्नि से भरा जीवन, अग्नि का जीवन। खुदावन, हम अग्नि का जीवन चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करें अगर आप चाहते हो। इफ़ यू वॉन्ट द लॉर्ड वुड ब्लेस यू विद फायर ऑफ हिज प्रेजेंस, प्रेशियस होली सेक्रेड फायर ऑफ हिज प्रेजेंस। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉक इन सच यूनिक एनॉइंटिंग ऑफ हिज सेक्रेड फायर, बिगिन टू प्रे नाउ विद मी। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू जीसस। You are the baptizer in the Holy Spirit and fire. Jesus, you are the baptizer in the Holy Spirit and fire. Jesus, you are the baptizer in the Holy Spirit and fire. Lord Jesus, you baptize in the Holy Spirit and fire. Yahusha HaMashiach, you baptize in Holy Spirit and fire. Yahusha HaMashiach, you baptize in Holy Spirit and in fire. Yahusha HaMashiach, you baptize in Holy Spirit and fire. Yahusha, you baptize in Holy Spirit and fire. Yahusha, you baptize in Holy Spirit and fire. Hallelujah. I pray for the fire. I pray for the fire, fire of your presence. Lord, precious fire. The fire of your presence. The fire that oozes out of your face. द फायर दैट ओज़ेस आउट योर फेस। तेरे चेहरे में से जो जलाल की किरणें निकलती हैं खुदावन, वो हमारी कुवत हैं, वो हमारा बल हैं, वो हमारी सेहत हैं, चंगाई हैं, वो हमारे जीवन की रोशनी है, जो किरणें तेरे चेहरे से निकलती हैं खुदावन। हालेलुया। मे द लाइट ऑफ योर कॉन्टेनेंस फॉल ऑन योर पीपल। तेरे चेहरे का तेज तेरे लोगों के ऊपर पड़े खुदावन। हालेलुया। प्रार्थना करें, यीशु मसीह से कहें मेरे संग संग, बोले स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं आपके हजूर में आता हूँ, मैं आपके चरणों में आता हूँ।
यीशु मसीह के जलाली नाम में, यीशु मसीह के जलाली खून के वसीला से मैं आपके पास आता हूँ। स्वर्गीय पिता, आपकी कुवत, स्वर्गीय पिता आपका मसा, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह का लहू, स्वर्गीय पिता हालेलुया, आपके चेहरे का तेज मैं चाहता हूँ, आपके चेहरे की रोशनी मेरे चेहरे पे पड़े यीशु मसीह, आपके चेहरे का तेज, आपकी प्रेजेंस की रेडियंस से मैं लॉर्ड मे आई बी फिल्ड विद द रेडियंस ऑफ योर प्रेजेंस, मे माय हार्ट बी फ्लडेड विद द रेडियंस ऑफ योर प्रेशियस प्रेजेंस, विद द रेडियंस ऑफ योर प्रेशियस प्रेजेंस, with the radiance of your precious presence, Lord, with the radiance of your precious presence, hallelujah, the radiance of your precious presence, Lord, with the radiance of your precious presence, I seek the radiance of your precious presence, hallelujah, 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 bless your name, Lord, we bless your name, Lord, we magnify you, Lord, we glorify you, Lord, we give you praise, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We bless your name. We bless your name. We bless your name. Lord, we bless your name. We bless your name. We bless your name, Lord. Bless your holy, holy name, Lord Jesus. We bless your holy, precious, and anointed name. We bless your holy, precious, and anointed name, Jesus of Nazareth. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus Christ, King of glory. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus Christ, King of glory. Hallelujah, hallelujah. Thank you, King of glory. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name, Jesus of Nazareth. Blessed be your name. Blessed be your name. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise your name, Lord. Praise your name. Praise your name. Praise your name. Hallelujah. Yahuwah Rapha, the Lord who heals us. 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 Yahuwah, Yahuwah Ra, the Lord who is my shepherd. Yahuwah Ra, the Lord who is my shepherd. Yahuwah Siddiqinu, the Lord who is my righteousness. Yehovah Siddiqinu, the Lord who is my righteousness. The Lord who is my righteousness. I am righteous in you. You are my righteousness. Hallelujah. Yahuwah Shalom, the Lord who is my peace, who is my solace, who is my comfort. Hallelujah. Who is my inner tranquility, who is my inner serenity. Hallelujah. Hallelujah. Yehovah Jireh, the Lord who provides me. Yahuwah Jireh, the Lord who provides all my needs. Hallelujah. 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 Yahuwah Nissi, the Lord, my banner. Lord, the banner over me is love. And this banner is stained in the blood of Yahusha. Thank you, Lord, for this precious banner that is stained in the blood of Yahusha. Wherever I go under this banner. I keep unfurling this flag of redemption, this flag of salvation, this flag of liberty, this flag of power and virtue. Hallelujah. That is being unfurled over me at all times. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless you. Tera dhanyavad karte hain, Khudavan, tere naam ki mehma karte hain. तेरे हजूर में झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं. खुदावंद, हम तेरे चेहरे को तलाश करने की गहरी बातें सीख रहे हैं. तेरे हाथों को नहीं ढूंढना, तेरे हाथों की तलाश नहीं करना, तेरे चेहरे की तलाश करना. हालेलुया, क्योंकि हम तेरी हजूरी के तालिब हैं खुदावंद, और मुश्ताक हैं, भूखे हैं और प्यासे हैं तेरी हजूरी के. हालेलुया, थैंक यू जीसस. Thank you, Lord, we bless your name. Lord, we praise your holy name. Praise your holy name. Lord, we praise your holy name. Lord, we praise your holy name.
Lord, we praise your holy name. Praise your holy name, Jesus. Hallelujah. Praise your holy name, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जब हम तेरे वचन पर मनन करते हैं खुदावन तू अपनी गहरी बातें हमारे ऊपर खोलना प्रभु हमें नया अभिषेक देना पवित्र आत्मा का हालेलुया प्रभु मैं तेरे नाम में तेरे लोगों को तेरे हजूर में उठाता हूँ दविंदर कुलर को उनके पति को खास करके आपके चरणों में लाता हूँ प्रभु इनके घराने पर आपकी कृपा दया की दृष्टि हो लॉर्ड मे यू कवर देम अंडर योर ब्लड मे यू ब्लेस दिस Dear family, Lord, may you pour out the blessing with which you blessed our father Abraham. I pray for Mangal Thapa, Lord, from Nepal, that you bless this man, that you keep this man from all kind of evil and vices, Lord, that you protect his heart and keep him on the right path, Lord, that he will walk in purity and holiness and righteousness, and he will honor you, Lord. His life will honor you and not dishonor you. I pray, Father, for Malkiyat Gill, for your blessing over him, over his household. Blessing of Yahweh God to come upon him, Lord. I pray for Brother Amrish Kumar, that you bless this dear brother. Bless his ministry. Bless his household, Lord. Bless his wife and his newly born daughter. I pray for Harjeet Singh and I pray for Harjeet Singh's wife that your hand be upon her, that your hand be upon this man. Lord, I release your anointing and your presence over him. And I pray for Sahil from Pakistan that you bless this man, bless his household, Lord Jesus. Speak your blood and protection over him. I pray for Pastor Baldev Raj, Lord, for his house, for his wife, children. For all that he does, I pray, Lord, that you bless him in Jesus' name. Pray for Sabi Sujit over his family, over his household, your blessing, Lord, and your favor. Bless Sunita Guria, Lord, that your hand be upon her in Jesus' name and upon her family, upon her household, Lord Jesus. And I pray for Karamjeet Kaur, Lord, that you touch her with your mighty hand. Hallelujah. Plead your blood over her. Plead your blood over Bahadur Singh Akash, Lord. I plead your blood over Rohit Masih. I plead the blood of the Lamb, Lord. I speak blessing. Lord, I speak your hand over Suman Gupta. Bless Suman Gupta. May your hand be upon Suman Gupta, your mighty hand, Lord Jesus. Bless Mahir Ji, I pray, Lord, that your hand be upon Mahir Ji. That your hand be upon Renu Bala, my wife, Lord. Lord, that your hand be over Ravi Prakash Gupta. I release your anointing and favor over this dear brother. Hallelujah. We give you praise, Lord. May you touch the life and family of Anita Rani. I speak your blood and your protection over Sunita Rani in the Anita Rani in the mighty name of Jesus. Cover Anita Rani under the blood. I pray for Tunuja Seth's husband that you heal him, Lord. That you stretch forth your hand upon him and bless Tunuja, Lord. I pray thee in the name of Jesus. Bless thee, Lord. Tera dhanyavad karte hain. खुदावन मैं अपने आप को भी तेरे खून में छिपाता हूँ तूने मुझे चंगा किया तेरी चंगाई का रूह मेरे जिस्म में काम कर रहा है खुदावन मैं मुकम्मल शिफा को यीशु मसीह के नाम में क्लेम करता हूँ यीशु मसीह के नाम में तेरे लोगों के लिए शिफा को खोलता हूँ मसा को खोलता हूँ तेरी जलाली कुदरत को खोलता हूँ खुदावन इन जीसस नेम यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया हालेलुया हम लोग हमने सीखा 7 वेज टू सीक द लॉर्ड परमेश्वर के चेहरे को कैसे तलाश करना है 7 जरिए हमने देखे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के चेहरे को ढूंढने की बरकतें क्या हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सीकिंग द फेस ऑफ द लॉर्ड परमेश्वर के चेहरे को ढूंढने से क्या बरकतें मिलती हैं हालेलुया सबसे पहले मैं कुछ परमेश्वर के चेहरे को ढूंढने की कुछ बरकतें आपको बताऊंगा। सबसे पहली बरकत परमेश्वर को परमेश्वर के चेहरे को ढूंढने की परमेश्वर को ढूंढने की सबसे पहली बरकत क्या है पहला इतिहास फर्स्ट क्रॉनिकल्स पहला इतिहास की पुस्तक
फर्स्ट क्रॉनिकल्स पहला इतिहास उसका 28 अध्याय, पहला इतिहास का 28 अध्याय, 28 अध्याय और उसका मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके लिए 9 वचन। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 28:9 सुने, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 28 एंड वर्स नंबर 9। इफ दाओ सोलोमन माई सन, नो दाओ द गॉड ऑफ दाई फादर एंड सर्व हिम विद परफेक्ट हार्ट एंड विद अ विलिंग माइंड, फॉर द लॉर्ड सर्चेथ ऑल हार्ट and understandeth the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. परमेश्वर सुलेमान से बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर को एक परफेक्ट हार्ट से, संपूर्ण दिल से और एक ऐसे मन से जो परमेश्वर के लिए भूखा है, विलिंग है, उस मन से परमेश्वर को ढूंढे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर दिलों को जांचता है और इंसान के अंदर के ख्याल और विचारों को जांचता है, अगर तू उसे ढूंढे पूरे दिल से, पूरी जान से, वो तुझे मिलेगा। यदि तुम उसकी खोज में रहो, रोज वो तुमसे मिला करेगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे, वो भी तुमको त्याग देगा। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, जूते परमेश्वर ईश्वर प्रभु का प्यासा हूँ। जैसे हरनी नदी के जल के लिए, सबसे पहली बरकत आपको प्रभु को ढूंढने की क्या मिलेगी, कि आपको प्रभु मिल जाएगा। हालेलुया, प्रभु उन्हें ही मिलता है जो प्रभु को ढूंढते हैं। आज सुबह मैं आराधना कर रहा था, सबसे पहला जबूर मैं गा रहा था, तड़के मैं तैनु ढूंढा या रब मेरे खुदाया, तड़के मैं तैनु ढूंढा। हालेलुया, क्या आप परमेश्वर को खोजते हैं, उसकी तलाश करते हैं, या जो कुछ परमेश्वर आपको देता है उसकी तलाश करते हैं? क्या आप परमेश्वर को इसलिए तलाशते हो कि परमेश्वर आपको संसारिक बरकतों से भर दे, दुनियावी चीज़ें दे दे, या आप सचमुच परमेश्वर के भूखे और प्यासे हो, सचमुच परमेश्वर के मुश्ताक हो, उसके तालिब हो, उसके तलबगार हो, उसके खोजी हो? हालेलुया, भाई मैं तो परमेश्वर का भूखा और प्यासा हूँ, मेरी रूह जिस्म जान मेरे परमेश्वर को निहारने के लिए तरसते हैं। हालेलुया, मेरी जान उसके लिए ऐसे प्यासी है जैसे हिरनी नदी और नालों के लिए हाफती है। हालेलुया, पहली बरकत सबसे बड़ी आपको ये मिलेगी, जब आप उसे खोजोगे वो आपको मिलेगा। परमेश्वर कभी भी उन्हें नहीं मिलता जो उसे नहीं खोजते। परमेश्वर डेस्परेट लोगों को मिलता है, परमेश्वर उन लोगों को मिलता है जिनकी जान प्रभु को मिले बगैर फना हो जाएगी। हालेलुया, तो क्या आप उसकी ऐसे तलाश करते हैं? यदि आप उसे ढूंढेंगे तो वो आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बरकत ये है, When you seek him, you will find him. Hallelujah. When you seek him, you will find him. बाइबल में लिखा, draw nigh unto God and he will draw nigh unto you. यकूब अपनी पत्री में लिखता है, यहोवा के समीप आओ तो यहोवा तुम्हारे समीप आएगा। यहोवा परमेश्वर कभी भी आपके निकट नहीं आएगा जब तक आप उसकी ओर नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया, बहुत सारे लोग ना परमेश्वर के आगे वो प्रार्थनाएं करते हैं जिनका उत्तर स्वर्ग कभी नहीं देता। सुनिए ध्यान से,
बहुत सारे लोग परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरा जीवन प्रार्थना से भर दे, हे परमेश्वर मेरा जीवन उपवासों से भर दे, हे परमेश्वर मुझे अपने वचन से भर दे। भाई और बहनों, ये रैंडम दुआएं हैं। यदि आप सचमुच में चाहते हैं ना कि आपका जीवन परमेश्वर प्रार्थना से भर दे, तो भाई अर्ली मॉर्निंग उठ के घुटने टेक के प्रार्थना करना शुरू करो, अपना मुंह खोलो, उसे पुकारना शुरू करो, उसके आगे भजन गाते हुए आओ, उसके आगे जबूर गाते हुए आओ, उसके आगे आत्मिक राग अलापते हुए आओ, उसकी स्तुति करना शुरू करो। आपको कदम लेना पड़ेगा। ड्रॉ नाय अन टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नाय अन टू यू। यहोवा के समीप आओ। अरे भाई, पहला कदम आपको लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसी धार्मिक देखने में लगती हैं प्रार्थनाएं वो, लेकिन उनका कभी उत्तर नहीं मिलता। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु सबको रोटी दे दे, प्रभु सबको बरकत दे दे, प्रभु सबको चंगा कर दे, हॉस्पिटल में मरीजों को चंगा कर दे, जिनको, और क्या क्या कहते हैं जब खाना खाने लगते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद तूने हमें खाने के लिए दिया, तेरा धन्यवाद, तेरी आशीष हो, फलाना ढिमका बोल के फिर कहते हैं जिनको नहीं मिला उनको भी दे। परमेश्वर को उसकी ड्यूटी याद दिलाते हैं कि परमेश्वर तुझे ये काम करने आते नहीं, हम तुझे स्मरण करा रहे हैं, तू उनको रोटी दे जिनको नहीं मिली। अरे भाई, परमेश्वर आपसे कहता है तेरे पास एक्स्ट्रा है ना, जा उनको बांट के आ, दे के आ उनको जिनके पास नहीं है। परमेश्वर को संसार को चलाना आता है, परमेश्वर को संसार को चलाने के सुझाव मत दीजिए। और कई लोग क्या प्रार्थना करते हैं, चर्च में संगति में भेंट ली जाती है, उसे अपने हाथ में लेके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हालेलुया, ये वो, तूने देने के लिए हमें दिया, ये फलाना ढिमका, और फिर कहते हैं परमेश्वर उनको भी बरकत दे जिन्होंने दिया, और उनको भी बरकत दे जिन्होंने नहीं दिया। अरे भाई, बाइबल बताती है जो बोएगा वो काटेगा, फिर बाइबल में लिखा है कम बोने वाला कम काटेगा, ज़्यादा बोने वाला ज़्यादा काटेगा। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है वो खाने के लिए रोटी और बोने के लिए बीज देता है। परमेश्वर जो आपको देता है, प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में लिखता है खाने के लिए रोटी और बोने के लिए बीज। परमेश्वर जो आपको देता है उसके 9 हिस्से आपके खाने के लिए है, एक हिस्सा बोने के लिए है, टाइथ, और 9 हिस्सों में से फिर आप अपनी ऑफरिंग बोते हैं, भेंटें बोते हैं, वाउज बोते हैं। तो खाने की रोटी के लिए अलग है और बोने के लिए अलग है। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो आपकी संगत में आए उनको भी बरकत देना, जो नहीं आए उनको भी देना। ये प्रार्थनाएं धर्मी झूठी धार्मिकता की प्रार्थनाएं हैं, मजहबी प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं के अंदर कलाम नहीं है। आपको मालूम भाई और बहनों, परमेश्वर विश्वास को देख के उत्तर देता है, परमेश्वर कभी ज़रूरत को देख के उत्तर नहीं देता। यदि परमेश्वर ज़रूरत को देख के परमेश्वर का हार्ट पिघलता, ज़रूरत को देख के मनुष्य का हृदय पिघल जाता, तो भाई और बहनों आज भारत देश में कोई झुग्गी झोपड़ी में ना रहता, कोई स्लम्स में ना रहता, कोई भूखा ना रहता, कोई निर्धन ना होता। वो दयालु है, करुणा में ही है, लेकिन वो विश्वास देख के मूव करेगा, आपके हृदय के विश्वास के अनुरूप आपको प्रतिफल देगा। तो ये रैंडम प्रार्थनाएं ऐसी, हॉस्पिटलों में मरीज चंगे कर दे, जो जेलों के अंदर उनकी सुधि, ये रैंडम प्रार्थनाएं हैं, ये मजहबी दुआएं हैं। ये देखने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लगता आदमी बड़ा धर्मी है, पर ये सेल्फ राइचियसनेस की दुआएं हैं। प्रार्थना कीजिए वचन के अनुसार, वचन जाने और वचन बोले परमेश्वर के आगे। स्वर्ग केवल वचन सुनता है, स्वर्गदूत जब वचन आप बोलते हो वचन को सुन के हरकत में आते हैं। स्वर्गदूत आपकी फीलिंग इमोशन नहीं जानते, जब आप यहोवा का कलाम बोलना शुरू करोगे स्वर्गदूत हरकत में आएंगे। या सबसे पहली बरकत यहोवा को ढूंढने की क्या है, पहला क्रॉनिकल्स 28:9 में वो आपको मिलेगा। दूसरी बरकत क्या है, वो आपकी सुनेगा और आपको जवाब देगा जब आप उसे खोजेंगे। हालेलुया। पढ़िए दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 वचन निकालिए, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 14। सुनिए, इफ माई पीपल विच आर कॉल्ड बाय माई नेम
shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. मैंने कल भी ये वचन पढ़ा, दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, प्रभु कहता है यदि मेरे लोग, प्रभु को अन्य जातियों से कुछ लेना देना नहीं भाइयों और बहनों, प्रभु को आपसे लेना देना है क्योंकि उसकी वाचा आपके साथ है. यहाँ पे लिखा है इफ माई पीपल विच आर कॉल्ड बाय माई नेम, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, किसके नाम के कहलाते हैं, यहोवा के नाम के कहलाते हैं, और इफ यहाँ पे लिखा माई पीपल विच आर कॉल्ड बाय माई नेम शैल हम्बल देमसेल्स, अपने आप को दीन करें. बिना हम्बल किए प्रभु के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, ना तो प्रभु आपसे मिलेगा ना प्रभु आपकी सुनेगा. सबसे पहली कंडीशन है अपने आप को दीन करें, और फिर लिखा है प्रार्थना करें, दीन होके प्रार्थना करें एंड सीक माई फेस, और प्रभु के हाथों को नहीं ढूंढना है, प्रभु के चेहरे को ढूंढना है भाइयों और बहनों, उसके जलाल की खोज करनी, उसकी ग्लोरी की. हालेलुया. केवल उससे अपने काम करवाने के लिए उसे नहीं खोजना, समझ रहे, उसे अपना नौकर नहीं बनाना है, उसके नौकर बनना है. वो सृष्टा है, हालेलुया, सृष्टि का स्वामी है, अधिपति है, हालेलुया. और लिखा है बुरे कामों का परित्याग करो, जो बुरे काम, जो बुराई में आप जाने का मन बना रहे हो या जिस बुराई में आप चल रहे हो उसे त्यागो, देन विल आई हियर फ्रॉम हेवन, तब सुनूंगा मैं स्वर्ग से, प्रभु कहता है, तब मैं स्वर्ग से सुनूंगा एंड विल फॉरगिव देयर सिन, और उनके पाप भी क्षमा करूंगा और उनकी उनके देश को हरा भरा कर दूंगा, चंगा कर दूंगा. हालेलुया, थैंक यू जीसस. दूसरी बरकत बड़ी प्रभु को ढूंढने की क्या है, कि प्रभु हमारी सुनेगा, प्रभु हमें जवाब देगा, प्रभु हमारे देश को हरा भरा और हमें चंगा करेगा. हालेलुया. तीसरी बरकत क्या है प्रभु को ढूंढने की, हालेलुया, निकालिए मेरे साथ भजन संहिता, जबूरों की पोथी जिसे हम कहते हैं साम्स, भजन संहिता. तीसरा बेनिफिट परमेश्वर को ढूंढने का क्या है, भजन संहिता, हालेलुया, 34, साम 34, 34 भजन, और उसकी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, साम 34 एंड वर्स नंबर 9 और 10, 9 और 10 वचन, 34:10, भजन 34:10. ओ फियर द लॉर्ड ई हिज सेंट्स, फॉर देयर इज नो वॉन्ट टू देम दैट फियर हिम. द यंग लायन डू लैक एंड सफर हंगर, बट दे दैट सीक द लॉर्ड शैल नॉट वॉन्ट एनी गुड थिंग. हालेलुया. शेर के बच्चे भूखे रहेंगे, परंतु वो जो यहोवा के चेहरे को ढूंढेंगे उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी. इफ यू सीक हिज फेस यू विल नेवर लैक एनीथिंग दैट इज गुड. एंड व्हेन द वर्ड सेज गुड, द वर्ड इज सेइंग गुड बाय द हेवनली स्टैंडर्ड. हालेलुया. इट इज गुड इन द डिवाइन पैरामीटर, इट इज नॉट मेयरली अर्थली गुड, इट्स हेवनली गुड. God will bless you with the goodness of heaven if you become seeker of His face, if you become pursuer of His presence, if you diligently go after Him and seek Him. Hallelujah. Nothing good God will withhold from you. Nothing good. कोई भी भली वस्तु वो आपसे नहीं उठा के रखेगा. आप अपने हृदय में आश्वस्त हो जाइए, अपने हृदय में पूर्ण रीति से आश्वस्त हो जाइए. All good things He will shower upon you. आपको मालूम शत्रु ने आके हवा से यही बात कही थी कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ये फल खाओ, क्योंकि तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे. वो ऑलरेडी परमेश्वर तुल्य थे, उसके स्वरूप में और उसकी समानता में बनाए गए थे. हालेलुया. तो कोई भली वस्तु परमेश्वर आपसे उठा के नहीं रखेगा. और प्रभु को ढूंढने का बेनिफिट क्या है, क्या बरकत है परमेश्वर को ढूंढने की, पढ़िए मेरे साथ 69 साम, जबूर 69, भजन संहिता 69,
और उसका मैं वचन आपको चाहता हूँ पढ़िए, 22 वचन, 69 का 22, साम 69:22। सुनिए क्या लिखा है, ये 62:22 नहीं है, वन मोमेंट, हाँ जी 68 का 22, 68:22, 68:22, प्रभु क्या कहता है, द लॉर्ड सेड आई विल ब्रिंग अगेन फ्रॉम बाशान, आई विल ब्रिंग माई पीपल अगेन फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द सी। परमेश्वर समुद्रों की गहराई में से भी आपको निकाल लाएगा। हालेलुया। हम भजन हम गाते हैं जबूर, आपे उपरों हथ वदा के मैनू रब बचावेगा, डूंगे पानियां दे विच्चों ओ मैनू कढ ले आवेगा, आपे उपरों हथ वदा के मैनू रब बचावेगा, ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना, आपे उपरों हथ वदा के मैनू रब बचावेगा, डूंगे पानियां दे विच्चों रब मैनू कढ ले आवेगा। एक और बचन बचन पढ़े, हालेलुया। परमेश्वर क्या बेनिफिट देगा, हमें जीवन देगा, मृत्यु से छुड़ा देगा, जब हम उसे ढूंढेंगे, उसके चेहरे की तलाश करेंगे। एक और वचन पढ़ें, अमोस नबी की किताब निकालें, उसका 5 बाब, अमोस चैप्टर नंबर 5 एंड वर्स नंबर 4, 5 एंड 6। सुनिए अमोस 5 उसके 4 से लेके 6 तक। सुने, दस से द लॉर्ड अन टू द हाउस ऑफ इज़राइल, सीक ई मी एंड ई शैल लिव। यहोवा परमेश्वर कहता है इसराइल के घराने से, मुझे ढूंढो और जिंदा रहो। यहां पे जो हिब्रू फ्रेज है उसका मतलब है, मुझे निरंतर ढूंढते रहो और जीवित रहो। आप जीवन चाहते हैं, कसरत का जीवन चाहते हैं, परमेश्वर को ढूंढते रहिए। परमेश्वर को ढूंढना एक जर्नी है, परमेश्वर को ढूंढना एक मंजिल नहीं है, परमेश्वर को ढूंढना एक जर्नी है। सीकिंग गॉड इज नेवर अ डेस्टिनेशन, सीकिंग गॉड इज एन इनक्रेडिबली ग्लोरियस जर्नी। सो यू हैव टू सीक हिम कंसिस्टेंटली ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन के हर दिन आपने प्रभु को ढूंढना है। अमोस 5:5 में लिखा है, प्रभु कहता मुझे ढूंढते रहो और जिंदा रहो। 5 वचन पढ़ें, बट सीक नॉट बैतेल नॉर एंटर इन टू गिलगाल एंड पास नॉट टू बेरशीबा, फॉर गिलगाल विल श्योरली गो इन टू कैप्टिविटी एंड बैतेल शैल कम टू नॉट। ये क्यों ऐसा लिखा है, बैतेल वो जगह थी जहाँ याकूब ने सीढ़ी देखी थी जो पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ रही थी। लेकिन अब प्रभु क्यों बैतेल से नफरत करता है, बैतेल गिलगाल बेरशीबा, क्योंकि यहाँ पे शैतानी काम होना शुरू हो गया है। यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित कर दी इज़राइल के झूठे राजाओं ने। तो प्रभु कहता है उन्हें मत ढूंढो, मुझे ढूंढो। 6 वचन में लिखा है, सीक द लॉर्ड, यहोवा को ढूंढो, ई शैल लिव, तुम जिंदा रहोगे, लेस्ट ही ब्रेक आउट लाइक फायर इन द हाउस ऑफ जोसेफ एंड डिवाउर इट एंड देयर बी नन टू क्वेंच इट इन बैतेल। तुम उसे ढूंढते रहो और जिंदा रहो, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के क्रोध की अग्नि भड़के और यूसुफ के घराने को खा जाए, ख़त्म कर जाए, और वहाँ पे कोई भी ना हो बैतल को बचाने के लिए। परमेश्वर दंड बता रहा है,
कि जब दंड आए, जब बवा आए, अब पृथ्वी पे ये प्लेग बवा चल रही है, तो प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है उसके लोग उसे ढूंढते रहें और जिंदा रहें। परमेश्वर को ढूंढने में जीवन मिलेगा। परमेश्वर को ढूंढने का सबसे पहला बेनिफिट, बरकत मैंने बताई, आप उसे ढूंढोगे वो आपको मिल जाएगा। दूसरी बरकत मैंने बताई, जब आप उसको ढूंढोगे वो आपकी सुनेगा और आपको जवाब देगा। तीसरी बरकत मैंने आपको बताई, जब आप उसको ढूंढोगे कोई भी भली वस्तु आपके जीवन से दूर नहीं रहेगी, आपके पैरों में होगी हर उत्तम दान, हर उत्तम बरकत। जब आप उसे ढूंढोगे आपको जीवन मिलेगा। पांचवी बरकत पढ़ें, जब आप उसे ढूंढोगे आपको क्या मिलेगा? हालेलुया। होशे नबी की किताब में आइए, होशे नबी की किताब, होशे नबी, प्रॉफिट होशेया, होशे नबी उसका 10 अध्याय और उसका 12 वचन, होशे 10:12, सुने क्या लिखा है। सो टू योर सेल्फ इन राइचियसनेस, रीप इन मर्सी, ब्रेक अप योर फालो ग्राउंड, फॉर इट इज टाइम टू सीक द लॉर्ड टिल ही कम एंड रेन राइचियसनेस अपॉन यू। हालेलुया। धार्मिकता में बोते रहो तो तुम करुणा काटोगे। हालेलुया। ये समय यहोवा को ढूंढने का है भाई और बहनों, ये समय यहोवा को ढूंढने का है। यहोवा आएगा और तुम्हारे ऊपर धार्मिकता की बारिश करेगा। हालेलुया। जो यहोवा को ढूंढेंगे उनके ऊपर धार्मिकता की बारिश होगी। हालेलुया। रेन ऑफ राइचियसनेस। रोमियो की पत्री 2:7, जल्दी से पढ़ें। रोमन्स चैप्टर नंबर 2:7, मैं आपको बताने जा रहा हूँ छठी ब्लेसिंग, सिक्स्थ ब्लेसिंग जो हमें प्रभु यहोवा को ढूंढने से मिलती है। हालेलुया। रोमियो की पत्री, हालेलुया, रोमियो की पत्री उसका 2:7, सुनिए। रोमियो 2:7, टू देम हु बाय पेशेंस कंटिन्यूएंस इन वेल डूइंग सीक द ग्लोरी एंड ऑनर एंड इमोर्टालिटी इटर्नल लाइफ। क्या क्या मिलता है? जो ढूंढते हैं प्रभु को पेशेंटली, उन्हें ग्लोरी, महिमा मिलती है, सम्मान मिलता है, अनंत जीवन मिलता है, अनश्वर और अनंत जीवन उन्हें मिलता है जो प्रभु यहोवा को ढूंढते हैं। प्रभु यहोवा उन्हें महिमा से भरता है, आदर से भरता है। हालेलुया। सातवीं बात आदर है। यहाँ पे इसी वचन के अंदर 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने आपको बताया रोमियो की पत्री 2:7 में लिखा है परमेश्वर महिमा से भरेगा। छठी बरकत, सातवीं बरकत कौन सी है? परमेश्वर आपको ग्लोरी देगा, ग्लोरी जलाल देगा, फिर परमेश्वर आपको ऑनर देगा, सम्मान देगा, फिर परमेश्वर आपको इमोर्टालिटी देगा, अनश्वरता देगा, फिर परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। छठी बरकत परमेश्वर आपको देगा जलाल, सातवीं बरकत परमेश्वर आपको देगा महिमा, आठवीं बरकत परमेश्वर आपको देगा अनश्वरता, नौवीं बरकत परमेश्वर आपको देगा अनंत जीवन, अवधि जीवन। हालेलुया। जब आप उसे ढूंढेंगे, और आपको मालूम दसवीं ब्लेसिंग क्या है यहोवा को ढूंढने की? वो इब्रानियों की पत्री 11:6 में वहाँ लिखा है बिना विश्वास के यहोवा को प्रसन्न करना अनहोना है, जो कोई उसके पास आता है वो विश्वास करे कि वो है और जो उसे ढूंढते हैं वह उन्हें रिवॉर्ड देता है, प्रतिफल दे। परमेश्वर की खोज करना बिना प्रतिफल के नहीं है, बिना लाभ के नहीं है। आत्मिक आध्यात्मिक लाभ, सांसारिक बरकतें, शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक तंदुरुस्ती, पवित्र आत्मा की भरपूरी, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की कुवत, परमेश्वर के स्वर्गदूतों का साया, यीशु मसीह के लहू की बाढ़, पवित्र आत्मा के आग की दीवार, निरंतर आपकी सुरक्षा,
आपके जीवन को फल लगना, फलवंत होना, आपके जीवन पे परमेश्वर की आशीषों का मेह बरसना। राइचियसनेस मेह की नहीं बरसेगा। ये बरकतें मिलती हैं उन्हें जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, खोजते हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर को ढूंढना सबसे अद्भुत काम है। इस पृथ्वी में जॉब ढूंढना, इस पृथ्वी में करियर ढूंढना, इस पृथ्वी में एक पत्नी ढूंढना या पति ढूंढना, इस पृथ्वी में पृथ्वी की चीज़ों को ढूंढना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार, कूड़ा और करकट है। यहोवा को ढूंढने के आगे अपने दिल को आग लगने दें, पवित्र आत्मा की आग लगने दें, आपकी रूह जिस्म जान भरने दें परमेश्वर के कलाम से। 24/7 कलाम में रम जाएं, 24/7, और अपनी आँख सिर्फ यीशु मसीह की ओर लगाएं। हर समय मनन भजन करते रहें, मनन करते रहें कलाम पे, कलाम बोलते जाएं। मैं चलते फिरते बाइक पे जाता हूँ, गाड़ी में जाता हूँ, इधर उधर चला होता, मैं वचन के अंदर ही रमा रहता हूँ 24/7। मेरे ख्वाब भी कलाम से भरे होते हैं। मेरे ख्वाबों में स्वर्गदूत आते हैं, मेरे ख्वाबों में बंदगियाँ चल रही होती हैं, आराधना चल रही होती हैं, मेरे ख्वाबों में कई बार कई एंजल्स आके मुझे कलाम बताते हैं, मेरे ख्वाबों में स्वर्ग का राज्य मुसलसल कायम रहता है। आपको जीना है स्वर्ग के राज्य में, आपको इस संसार के राज्य में नहीं जीना है। 24/7 365 डेज ऑफ द ईयर 12 मंथ्स यू हैव टू लिव इन द किंगडम। राज्य में बने रहिए, राज्य में बने रहिए। आपका मन भागता है ना इधर उधर, अपने मन को खींच के लाएं यीशु मसीह के चरणों में। आपके अंदर ख्याल आते हैं, उन्हें यीशु मसीह का गुलाम करें। आपके अंदर कल्पनाएं उठती हैं, आपके अंदर फैंटसीज उठती हैं, आपके अंदर इमेजिनेशन आती हैं, उन्हें पकड़ें, बांधें यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह का गुलाम करें। कलाम से भर जाएं, वचन मनन। मैं अंदर ही अंदर मेरे फिल्म चलती रहती है। मैं कभी इसराइल को मरुभूमि में घूमते देखता हूँ, कभी मूसा को लाल समुंदर फाड़ते देखता हूँ, कभी एलिया को क्रीत की ब्रुक के पास बैठा देखता हूँ, उसे कौआ खिला रहा है, कभी एलिया को मैं आग उतारते हुए देखता हूँ, कभी एलिशा को चद्दर को पानी पे मारते देखता हूँ, कभी यहोशू को आर्क ऑफ द कवनेंट ऐद के संदूक को लावियों के कंधे पे ले जाते देख रहा हूँ और यर्दन फट रहा है, कभी हनूक को यहोवा के संग संग चलते देखता हूँ, कभी नू को बड़ी सारी कश्ती बनाते हुए देखता हूँ, कभी मूसा को यहोवा के पवित्र पहाड़ पे कमेंडमेंट लेते हुए देखता हूँ, हालेलुया। और कभी भाई और बहनों, मैं समसून को देखता हूँ, कभी जिप्ता को देखता हूँ, कभी भाई और बहनों, मैं इब्राहिम की यात्रा को देखता हूँ, हमारे पुरखे इब्राहिम कैसे उसे यीशु मसीह मुलाकात करता है, कभी लूत को बचते हुए देखता हूँ, आग को सदोम गमोरा को तबाह करते हुए देखता हूँ अपनी आत्मा में, कभी पलूस को यात्राएं करते देखता हूँ, कभी पतरस को उल्टा सलीब लटकते हुए देखता हूँ। भाई और बहनों, मैं इसके अंदर रमा रहता हूँ। यीशु मसीह को गलील की झील के किनारे चलते देखता हूँ, पहाड़ पे अद्भुत यीशु को बैठे हुए और पहाड़ी उपदेश देते हुए देखता हूँ, कभी मैं यीशु मसीह को, हालेलुया, उसकी क्रूस की वेदना को मैंने देखा है, उसने मेरा जीवन बदल दिया है, अद्भुत यीशु मसीह, उसकी मौत आपकी और मेरी जिंदगी है। भाई और बहनों, रम जाएं कलाम के अंदर, रच जाएगा आपके अंदर, ये आपकी बोन मैरो में समा जाएगा। कलाम बोन मैरो आपका आखिरी डेस्टिनेशन है, आपकी बॉडी की आखिरी डेस्टिनेशन है बोन मैरो। जैसे आप कभी मीट खाने वाले हो तो गोश्त खाते हैं, हड्डी के अंदर से चूसते हैं ना उस चीज़ को, वो बोन मैरो है, वहाँ पे कलाम बस जाएगा। हालेलुया, ऐसे रम जाइए यीशु मसीह में। परमेश्वर आपको ये कुंजियाँ दे उसको ढूंढने की, तलाश करने की, और परमेश्वर आपको इन आशीषों से भरे जो उसको उसके खोजने वालों के ऊपर उतरती हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में सबको जय यीशु मसीह की। प्लीज़ वो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चे हैं जिनके लिए एक जगह तैयार की है, जहाँ पे खिड़कियाँ लगवानी हैं, डोर्स लगवाने हैं, थोड़ी तैयारी करवानी, प्लास्टर वगैरह, कुछ बेड वगैरह और कुछ सामान उन्हें लेके देना है। परमेश्वर अगर आपको सामर्थ्य दे तो ज़रूर उसमें बीज बोइएगा। प्रभु आपको बहुत फलवंत करेगा और आशीषित करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय यीशु मसीह की।